दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आपका इस वीडियो में बहुत स्वागत करती हूं। बात अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जाए तो इस चकाचौन से भरी दुनिया में रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा जल्दी टूट जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है सुष्मिता सेन के भाई और उनकी भाभी की ज़िंदगी में। जी हाँ, चारू असोपा जो कि एक वेल नोन टेलीविजन एक्ट्रेस रह चुकी हैं, साथ ही साथ उनके पति राजीव आदित्य सेन, जिनकी शादी बीते कई सालों पहले हुई थी और हाल ही में 2021 में उन्होंने एक बीबी गर्ल का वेलकम किया है। अब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि चारू और राजीव के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये दोनों जल्द ही अलग हो सकते हैं। हालांकि सुष्मिता सेन ने इन दोनों के रिलेशनशिप पर कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया है, लेकिन हम तो यही कहेंगे जनाब कि बिना के धुआं नहीं उड़ता है। जी हाँ, और इस तरह की अटकलें फैंस ऐसे ही नहीं लगा रहे हैं। दरअसल हाल ही में चारू असोपा जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उन्होंने हाल ही में यूट्यूब पर अपना एक व्लॉग शेयर किया था और उस व्लॉग में उन्होंने अपने फैन से ये चीज़ शेयर की कि राजीव उनका और उनकी बेटी के देखभाल में कोई भी हाथ नहीं बटाते हैं और वो सब चीज़ें और सभी जिम्मेदारियां चारू पर छोड़ रहे हैं, जिसके बाद से ही फैंस इस तरह की अटकलें लगा रहे हैं कि शायद इनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जल्द ही ये दोनों अलग हो सकते हैं। वैसे आपको ये बता दें कि इनके सेपरेशन की ये खबरें पहली बार नहीं आई हैं। इससे पहले भी चारू और राजीव के बीच जब अनबन हुई थी तो चारू ने राजीव का घर छोड़ दिया था और वो लगभग एक साल तक अपने प्राइवेट अपार्टमेंट में रही थी, लेकिन जब इन दोनों के बीच पैचअप हुआ तो इन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी का वेलकम किया और जिसकी वीडियोज़ और तस्वीरें भी इंटरनेट पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होती रहती हैं। हालाँकि इस पर ना तो राजीव की तरफ से कोई भी कमेंट आया है और ना ही चारू की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने आया है, लेकिन हम वक्त के साथ आपको हर एक अपडेट ज़रूर देंगे कि क्या इनके रिश्ते खम में खटास आ चुकी है या फिर बात अभी बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसमें कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय देना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।